हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माइक्रोव टॉक योर ऑन यूट्यूब चैनल। आई हिमांशी वंस अगेन विद यू। और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको इन शॉर्ट CDSCO भी कहते हैं। यहाँ का जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, वहाँ पर कुछ वैकेंसी रिलीज हुई हैं, उसी का नोटिफिकेशन आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ मैं। वॉक इन इंटरव्यू है बेसिकली ये। सो पहली वैकेंसी यहाँ पे क्या है, सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट, और दूसरी वैकेंसी है यहाँ पर रिसर्च साइंटिस्ट। सो सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट की यहाँ पर 1 वैकेंसी है, रिसर्च साइंटिस्ट की 2 वैकेंसी हैं। इसकी डिटेल आप लोगों के साथ थोड़े सा शेयर कर लेती हूँ मैं यहाँ पर। सबसे पहले बात करेंगे जो हमारा सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट है, इसकी टोटल 1 वैकेंसी है। रेन्यूमरेशन इसके लिए आपको मिलेगा 84,000 रुपीज़ पर मंथ। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात की जाए तो जो भी कैंडिडेट बीटेक है या बीई है इलेक्ट्रिकल साइंसेज में, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन में, क्लिनिकल में, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में, या फिर बायोटेक्नोलॉजी में किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी में, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, या फिर एडवांस पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा है सिमिलर डिसिप्लिनस में, ठीक है, तो वो डिज़ायरेबल होंगे अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट चीज़ जो एक्सपीरियंस की बात की जाए, सो अगर आ गया वर्किंग एक्सपीरियंस इन मेडिकल डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग, या फिर मेडिकल डिवाइसेस रिसर्च, मेडिकल डिवाइसेस टेस्टिंग लेबोरेटरी, ठीक है, मिनिमम 5 इयर्स के लिए, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेम ऑफ एजेंसी MSRRAT Services में होगा प्लेसमेंट आपका, ठीक है। इससे अलग रिसर्च साइंटिस्ट की 2 वैकेंसीज हैं, 52,000 रुपीज़ रेन्यूमरेशन मिलेगा। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात करें तो बीटेक बीई इन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, क्लिनिकल, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, ठीक है, या फिर आगे बाद पोस्ट ग्रेजुएशन है, ठीक है, या फिर एडवांस पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है इन, ठीक है, सिमिलर डिसिप्लिन, तो आप डिज़ायरेबल होंगे। इससे लगा आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्किंग इन मेडिकल डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग, मेडिकल डिवाइस रिसर्च, मेडिकल डिवाइसेस टेस्टिंग लेबोरेटरी फॉर मिनिमम 2 इयर्स, तो आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। पोजीशन जो है, ठीक है, ये आपको बताया MSRRAT सर्विसेज के थ्रू फिलफिल होंगी, ठीक है। सो जो भी कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, वो अप्लाई कर पाएंगे, उन्हें उस एजेंसी पे जाके अप्लाई करना होगा। आप चाहे तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, यस, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, उन्हें क्या करना है, जिनके पास भी क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, वो अप्लाई कर सकते हैं इस एजेंसी में जा कर के डायरेक्टली, ठीक है। कब तक करना है, 27 नवंबर 2023, तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। सो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं वो जरूर से अप्लाई करें, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग माइक्रोव टॉक एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।